पर जो भूखे प्यासे कट गए या रसूल अल्लाह, दीन पर जो भूखे प्यासे कट गए मुस्लिमों पर बे सहारों पर सलाम, मुस्लिमों पर बे सहारों पर सलाम, फातिमा जहरा के प्यारों पर सलाम, फातिमा जहरा के प्यारों पर सलाम, करबला के जानिसारों पर सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अहले बैत अत्थार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अत्थार की शान व अज़मत में आयत तत्हीर नाजिल फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिस्सा अहलल बैत युतहर्रिकुम तत्हीरा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके अहले बैत को नूर पर नूर से धो दिया, ये पाक व मुतहिर हो गए, ये पाक व मुतहिर हो गए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नजरान के ईसाई राहिबों से मुबाहिला किया, उस मुबाहिले के मैदान में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आपकी दुख्तर सैयदा माँ बीबी फातिमतु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, बीबी खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपके दामाद सैयदना अली करम अल्लाह जुल करीम, आपके नवासे सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और पहले बैत अत्थार के चेहरों को देख कर नजरान के ईसाई राहिबों ने जो है ये कहा सहाबा इकराम को कि खुदा की कसम, जो ये पांच तनों के चेहरों से यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला तक जो हक़ व सदाकत छलक रही है, नूर छलक रहा है, खुदा की कसम ये हमारे ऊपर लानत भेज दें, बदुआ कर दें तो क़यामत तक हम मज़हब के साथ तबाह हो जाएंगे, खुदा रा इनको रोके। तो उस मुबाहले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई, वो नजरान के ईसाई राहिब आपके ख़दमों में गिरे और जो है मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछाई, बाज़ रिवायतों में है कि जिब्रील अमीन अलैहि सलाम ने जन्नत से चादर मुबारक लाई थी। बहरे कैफ चादर मुबारक बिछा कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी सैयदा माँ बीबी का खातून जन्नत रजी अल्लाह तआला सईदा कायनात को बुलाया, फिर दामाद पैगंबर सैयदना इमाम अली करम अल्लाह जुल करीम रजी अल्लाह तआला को बुलाया, फिर अपने नवासे सैयदना इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला उसकी चादर मुबारक में बुलाकर ढक लिए चादर को और दरूद इब्राहिम पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सैयदना इब्राहिम व अला आलि सैयदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सैयदना इब्राहिम व अला आलि सैयदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। उसी वक्त इस आयत का शान नुज़ूल हुआ कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिस्सा अहलल बैत युतहर्रिकुम तत्हीरा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके अहले बैत को नूर पर नूर से धो दिया है, इनसे हर रिज़्स को पाक कर दिया है, ये मुनव्वर व मुजल्ला हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत तत्हीर के शान नुज़ूल जो अहले बैत अत्थार पर हुआ, 124,000 कमो बेश पैगम्बरान आदम अलैहि सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलाम तक किसी भी पैगम्बर की आल पर, किसी पैगम्बर पर असहाब वो अंबिया अलैहि सलाम पर नाजिल नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अत्थार पर नाजिल हुआ। रब तबारक व तआला अहले बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को परवरदिगार आलम ने अहले बैत कहा, इस आयत का शाने नुज़ूल उन पर हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्हीं अहले बैत अत्थार की औलादों में से दोस्त दा इमाम 12 इमाम
अहले बैत अत्थार के औलादों में से नौ इमाम हैं, सैयदना सैयद सज्जाद रजी अल्लाह तआला, सैयदना इमाम बाखर रजी अल्लाह तआला, सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला, सैयदना इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह तआला, सैयदना इमाम अली मूसा रजा रजी अल्लाह तआला, सैयदना इमाम तकी व नकी रजी अल्लाह तआला, हजरत सैयदना ईसा हसन अस्करी, हजरत सैयदना इमाम महदी रजी अल्लाह तआला। ये दोस्तदा इमाम इनसे जो औलादें निकली उसी में गौसो ख्वाजा हज़रत दादा हयात खलंदर, हज़रत सैदना ख्वाजा बाबा नथर अलिया, बाबा फ़खरुद्दीन हैदर सफदर अलिया, ख्वाजा बंदे नवाज, ख्वाजा गरीबन नवाज, हज़रत सैदना निज़ामुद्दीन अलिया, हज़रत सैदना साबिर कलियरी, सैदना अताउल्ला शाह, हज़रत सैदना सफदर अली शाह, सैदना मीर साद बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत आखिल शाह खादरी, सैदना मोमिन बाद शाह खादरी, दुनिया के गोशे गोशे में कोने कोने में 90% से ज़्यादा जो औलिया अल्लाह ही अहले बैत अत्थार ही सादात इकराम ही, वो हसन ही हुसैन ही सैयदुल असर सादात इकराम में से ही। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस दरगाह शरीफ में दरगाह हज़रत शहज़ादे गौसे आज़म शेखुल मशायख सूफ़िया बासफ़ा आला हज़रत सैयदना पीर सफदर अली शाह खादरी बगदादी क़द्दसल्लाहुल अज़ीज़ व खलीफ़ा हाजी सैयद अहमद शमशेर अली शाह खादिर रहमतुल्लाह अलैह व खलीफा दादन शाह साहब खादिर अलमारूफ कास्की पीर रहमतुल्लाह अलैह, ये इदारा दारुल औक़ाफ़ बमकाम टीपू सुल्तान समर पैलेस रोड चामराजपेट बेंगलोर के खल्ब में वाकी ये तारीख खदीम व तारीख रखने वाली दरगाह पाक में आज खुसूसी तौर पर हर साल की तरह पिछले कई सालों से हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के तकरीबात शायन शान पैमाने पर मुनाकिद हुए। यकुम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम और ज़ियारत शहदाए करबला तक और इस जुमा खुसूसी तौर पर अज़मत अहले बैत के नाम से प्रोग्राम मुनाकिद हुआ और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की 11वीं शरीफ और ज़ियाफ़त आम लंगर का अहतमाम किया गया है। खुसूसी तौर पर अहले बैत अत्थार के मुतालिक ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल खुरबा, ऐ उम्मतियों मैं तुम्हारे से अजरे रिसालत नहीं चाहता, मैंने आपको मुकम्मल दीन दिया, कुरान शरीयत मुताहरा नमाज रोज़ा ज़कात अरकान इस्लाम तमाम चीज़ें में तुम तक जो है मुकम्मल दीन पहुँचा दिया, मैं उसका अजर नहीं चाहता, रिसालत का मैं अजर नहीं चाहता, मगर ये कि इल्लल मवद्दत फिल खुरबा, मेरी मवद्दत मेरे खुरबत को मेरी खुरबत की बिना मेरे अहले बैत अत्थार को मेरे ख़ानदान वालों से मोहब्बत रखो, मेरे लिए अजर रिसालत है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बु अहले बैत खुरबतहुम मिनी, मेरे खुरबत के बिना मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो, मेरे अहले बैत सफीने नूह के मानिंद हैं, और कहा कि कश्ती नूह के मानिंद है, जो इसमें सवार हो गया उसे नजात मिल गई, जो इस कश्ती में सवार ना हुआ गर्क हो गया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर एक मुस्तनद मोतबर हदीस पाक फरमाई, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलेना किताब अल्लाह उतरती, ऐ उम्मतियों मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी मजबूत चीजें छोड़ा जा रहा हूं, एक कुरान है अल्लाह का किताब अल्लाह यानी अल्लाह का कलाम है कुरान है, दूसरा इतरती ही एक दूसरे में रहले बैत थे, इन दोनों को मजबूती से थाम लो। आज देखा जा रहा है कि दौरे इलाहाद में कुरान को तो बहुत से जो है मौलवी बहुत से जो लोग जो है मकतब फिक्र के लोग पकड़ लिए हैं, मगर दामने अहले बैत से अहले बैत के दामन से कोसों दूर हैं, अहले बैत के दामन से कोसों दूर हैं। कुरान को समझने के लिए दामन अहले बैत वाबस्तगी अहले बैत अशद ज़रूरी है। और अहले बैत अत्थार के मुतालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिसने अहले बैत का बग़्ज़ रखा, मम माता हुब्बु आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, जो आले रसूल अहले बैत की मोहब्बत रख कर मरा मोमिन मारा गया, जो आले रसूल का बग़्ज़ रखा, मम माता बग़्ज़ी आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा, जिसने आले रसूल का बग़्ज़ रखा मरा तो काफर की मौत मारा गया, और जिसने अहले बैत पर आले रसूल पर जुल्म कर दिया हुरिमतुल जन्ना मिनन नार, उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी गई, वो जहन्नम का हकदार हो गया। अहले बैत अत्थार और पंजों का क्या ताल्लुक है, आलम का क्या ताल्लुक है? पंजों की तारीख यहाँ पर भी आप जिस दरगाह शरीफ में खड़े हुए हैं, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत 1799 में वाक़ी हुई, 1795 में बगदाद शरीफ इराक़ से
हजरत सैयदना पीर सफदर अली शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर को, अजमेर से इस मुकाम, इस पुराने इलाके का नाम पैनीर था, ये जो चामराजपेट में इलाका सीगे बेली भी था पुराना नाम, वहाँ अपने साथ जो है ये कदीम अलम जो करबला मौला से लाए थे 12 इमाम दोस्तदा इमाम इनका अलम सैदना इमाम खासिम रजी अल्लाह तआला का अलम, ये दो अलम शरीफ अपने साथ लाए थे, यानी कि पंजे, दो पंजे अपने साथ लेकर आए थे। वहाँ से जो है तकरीबन 250 साल तारीख यहाँ पंजों की मुहर्रम की है। इसी तरह हज़रत सैयदना आखिल शाह खादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर भी हर एक जो भी मुझे सुन रहे हैं हमारे अहले बैत अत्थार के आशिकीन और आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब्बीन औलिया अल्लाह के आशिकीन, वो तमाम गौसो ख्वाजा के आशिकीन जाकर आखिल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में भी देख सकते हैं कि आखिल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात होकर अनकरीब 300 साल होते आ रहे हैं, आपकी हयात अगर ले गए ले लिए तो जो है 400 साल आपकी हयात तैयबात है। तो वहाँ बगदाद शरीफ से आपने भी जो है अपने आते हुए इराक से पंजा लेकर आए थे, अलम लेकर आए थे, वो भी आपकी दरगाह पाक में तारीखी तौर पर मौजूद है। इसी तरह हज़ार साल की तारीख रखने वाली दरगाह शरीफ हज़रत सैदना ख्वाजा बाबा फ़खरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह पेनगोंडा शरीफ आंध्र प्रदेश में और हैदर सफदर औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुलबागल में, ऐसी बड़ी बड़ी दरगाहों में, बड़ी बड़ी दरगाहों में हजारों की तादाद में पंजे मुहर्रम में देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से हमारे गैर मुस्लिम भाई मुदगल शरीफ को आप चले जाएं, बल्लारी को चले जाएं, कोप्पल को चले जाएं, धारवाड़ को चले जाएं, आप हुबली को चले जाएं, आप बीजापुर को चले जाएं, आपको हर मकाम पर बीदर, बीजापुर, रायचूर, हर जगह पर आपको ये भी मंजर देखने को मिलेगा जहां पर हमारे इमाम हसनैन करीमैन अहले बैत अत्थार के आशिकीन मुहिब्बीन बाकायदा मुहर्रम का अहतमाम और अलमों को जो है वहां पर सजा सवार कर रहे, अलम वगैरह को, पंजों वगैरह को जो है एक मुहर्रम मनाया करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं यकुम मुहर्रम से ही पैर में चप्पल छोड़ देते हैं, पैर में चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, गोश्त खाना छोड़ देते हैं। और बाकायदा वहाँ पर देखा गया है कि शहदाए करबला इमाम हसनैन करीमैन की याद में 9वीं मुहर्रम को 8वीं मुहर्रम को वो जो है आग पर से चलते हुए जाते हैं, उनके पाँवों को आग असर नहीं करती। ये सिलसिला करबला की तारीख से हमें मालूम पड़ता है कि जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की 10 मुहर्रम यौमुल आशुरा को शहादत वाक़े हो जाती है तो तीरों को आग लगाकर तीर चलाए गए तो बीबियों के खीमे जल गए, जलकर जो है वो लकड़ियां खीमे जो भी थे जल गए, वो जली हुई आग पर सैयदजादों को चलाया गया। अल्लाह ने उनके कदमों को अहले बैत अत्थार के जिस्मों पर आग को हराम कर दिया, जो नूर पर नूर से पाक है उनके उनके जिस्म मुबारक को आग कहाँ से असर करेगी, जो नूर पर नूर से पाक है उनके जिस्म अत्थर को आग कहाँ से असर करेगी। तो वो उनकी याद में जो है हर दरगाह शरीफ में एक जो है आग का लावा जलाया जाता है, उनका नाम लेकर इमाम हसनैन करीमैन का उस आग पर से चलते हुए जाते हैं, आशिकान अहले बैत के भी पैरों को कुछ आग असर नहीं कर सकती। आज भी ये करामत हमें देखने को मिलती है। बीजापुर के अंदर हैदर अली बांगी ख़ानदान है एक, वहाँ पर जाकर आप भी तहकीकात करें। बीजापुर के अली आदिल शाह जो हुक्मरान थे वो करबला का वहाँ पर ज़ियारत करें, उस ज़माने में 400-500 साल की बात है, सारे मशायखीन कर्नाटक सूफिया इकराम मुझे सुन रहे होंगे बीजापुर के भी, तो वहाँ पर करबला की ज़ियारत करते हुए ईरान के बादशाह से मुलाकात करें तो उन्होंने बतेरे तोहफ़ा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की एक तलवार आपको दिए। अली आदिल शाह बीजापुर को लेकर आए, वो तलवार को क्या करना बोलकर जो है सोच रहे थे कि तमाम सादात और मशायखीन मिलकर उनको मशवरा दिए कि इस तलवार को जो है पंजा बना डालो, इस तलवार को पिघला कर पंजा बना डालो। आज भी हैदर अली बांगी ख़ानदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के तलवार से बनाया हुआ तारीखी पंजा मौजूद है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के म्यूजियम में आप करबला को जाएंगे तो वहां भी आपको पंजा मिलेगा। हजरत सैयदना अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला के रोजे में जाएंगे सराने आपको पंजा मिलेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह हजरत सैयदना ये अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला की बहन, बाज़ रिवायतों में है कि मोहम्मद हनफिया रज़ी अल्लाह तआला जो अलवी सादात में से थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के भाई, उनके एक बहन
आते आते सबर बरे सगीर का सफर करते 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 क्या किए, यहाँ पर पाकिस्तान से और ये हिंदुस्तान वगैरह सब आते आते अलम शरीफ को लाए, वहाँ पर से अवध में हिंदुस्तान में पहली मर्तबा अवध में पंजा आया सैयदना अब्बास अलम बरदार रजी अल्लाह ताला का। हिंदुस्तान की हर दरगाह में कोई भी दरगाह पंजान से खाली नहीं है, तारीख उठा कर देख लो और कहाँ का हजरत सियापोश बाबा बेंगलोर के खुतुब ही वक्त के अपने वक्त के गौस ही, और आपका मकाम इल्मी एतबार से यह है कि आपने ज़ुल्फ़क़ार हैदरी ज़बरदस्त किताब लिखी है और अपने वक्त के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं सियापोश बाबा रहमतुल्लाह ने, मुनरेड़ी पाड़ले में आस्ताना खादरिया के नाम से है, वहाँ पर आप जाकर देखो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकतबे फ़िक्र के उलमा इकराम मुफ्तियान उज़ाम को फ़िक़ा में फ़तावों में अगर कोई मामला दरपेश नज़र आता तो हज़रत सैयद हैदर शाह जीलानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सियापोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह को खुतूत लिखते थे, उसका जवाब सियापोश बाबा लिखकर भेजते थे। इतनी बड़ी शख्सियत थी हमारे बेंगलोर के अंदर हज़रत सैयद हैदर शाह जीलानी सियापोश बाबा, वो भी कजबुज से गुजरात से जब बेंगलोर को आए तो उन्होंने अपने साथ पंजे लाए, बाजू में सियापोश बाबा के आस्थाने के आशूर खाना है पंजतन पाक का, वहाँ पर आप चांदी के पंजे वगैरह सियापोश बाबा जो लाए थे वहाँ देखना, तमाम तहकीकात हमने देखने की ज़रूरत है। अपने वक्त के मुफ्ती आज़म के दरबार में, मुफ्ती आज़म हिंद के दरबार में ही पंजे हैं। गौसे पाक गरीब नवाज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह कोई भी एक तारीख बता दो कि इन बुजुर्गान दीन ने कभी पंजों के खिलाफ कोई बात कही हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यही पैगाम देता हूँ कि मैं उल्फत आले नबी सबसे बड़ी दौलत है, हक़ को पहचानो मुसलमानों अभी मोहलत है, जिसमें शामिल हो लबो लहजे कुरान मुबीन, असल में फ़ातिमा जहरा की वही मिद्दत है। आज बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं शहर बेंगलोर के और दीगर मकामात की बहुत सी मस्जिदें मैं देख रहा हूँ, कि उन मस्जिदों में जो है उस वक्त सबसे बड़ा जालिम जो बनकर उभरा यजीद पलीद, उसको जो है क्लीन चिट दी जा रही है, यजीद पलीद को क्लीन चिट दी जा रही है, उस यजीद पलीद को क्लीन चिट देकर ये कह रहे हैं कि हर किसी से भी खता हो सकती है, हर किसी से भी गुनाह हो सकता है। अजीज़ान मोहतरम, सालेह करबला के बाद जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक फरमाएं, सालेह करबला के बाद दुनिया में कोई इतना बड़ा सालेहा नहीं। अजीज़ान मोहतरम, उसी का अक्स हमें आज फ़लिस्तीन और गाज़ा में नज़र आता है। फ़लिस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के अंदर वह हुसैनी ईमान, वो शहीदान दश्ते करबला का और फ़खा का ईमान नज़र आता है। मौत को गले लगा रहे हैं, भूख और प्यास की शिद्दत है, मगर अल्लाह का नाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा और कलमे तैयब ज़ुबान पर जारी है, ये हमें देखने को मिला करबला के सानहा के बाद। अजीज़ान मोहतरम, आज जो यजीद को क्लीन चिट दे रहे हैं, एक चंदे का अशआर कह रहा हूँ मैं उनके लिए, जुल्मो सितम जहाँ में ये जात किसकी है, जुल्मो सितम जहाँ में ये जात किसकी है, फैला हुआ फसाद है बुनियाद किसकी है, फैला हुआ फसाद है बुनियाद किसकी है, नस्ले यजीद ख़त्म अगर हो गई जनाब, नस्ले यजीद ख़त्म अगर हो गई जनाब, महविश तो फिर बताएं ये औलाद किसकी है, और खलबो जहन यजीद का, खलबो जहन यजीद का, तनमन यजीद का, इन सब ने थाम रखा है दामन यजीद का, दामन यजीद का, महशर में पीटते हुए बोलेंगे ये मलक, महशर में पीटते हुए बोलेंगे ये मलक, ये लोग कर रहे थे चर्चा यजीद का, ये लोग कर रहे थे चर्चा यजीद का, बख्जे हुसैन में इसे इनाम ये मिला, बख्जे हुसैन में इन्हें इनाम ये मिला, मरवान का जहन है तो चेहरा यजीद का, देखो जहान वालों जरा गौर तो करो, शायद यही ना हो कहीं पोता यजीद का, और खतले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो या रसूल अल्लाह सैयदों के बीच से बहते थे जो
करबला के जानिसारों पर सलाम, करबला के जानिसारों पर सलाम, चीख पर बारी सकीना पर दरूद, बानू के अशिकों के धारों पर सलाम, बानू के पर सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों पर सलाम, फातिमा